अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बनाई है ओनर इन्फो पुल करने के बारे में कि आप लोग काउंटी असेसर्स की वेबसाइट से इन्फो कैसे पुल करते हैं ओनर की, या उसका मेलिंग एड्रेस कैसे निकालते हैं। आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टी एड्रेस है जो, यानी कि प्रॉपर्टी बिक रही है जिसे हम फिज़िकल एड्रेस कहते हैं या प्रॉपर्टी एड्रेस कहते हैं, सो उसका हमने निकालना कैसे, ओनर नेम कैसे निकालना है और उसका मेलिंग एड्रेस कैसे निकालना है, ठीक है। साथ ही इसके अक्सर काउंटीज़ जो हैं वो हमें उसका टैक्स की जो है डिटेल्स वो भी देती हैं कि टैक्स उसका कितना है, कौन से साल का है, वो हर चीज़ भी हमें डिटेल्स देती हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ओक्लाहोमा के, जैसे लास्ट वीडियो में जिलों की हमने प्रॉपर्टीज़ का किया था कि पुल कैसे करते हैं, उसके ओक्लाहोमा के हम करते हैं, ओक्लाहोमा काउंटी असेसर, ठीक है, ये हम सर्च कर लिया। जब भी कहीं से आपने ओनर इन्फो निकालनी है तो हमें उसके लिए काउंटी असेसर्स की वेबसाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस काउंटी की। तो आप पहले सर्च करेंगे काउंटी के लिए, तो ओक्लाहोमा काउंटी का मुझे ऑलरेडी पता है, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। आप सर्च करके निकालना पड़ेगा, हर काउंटी का तो मैं आपको नहीं बता सकता ना, ओक्लाहोमा का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ सर्च करने का एक क्राइटेरिया नहीं होता, आप नेम से सर्च कर सकते हैं, आप बंदे के नेम से करें अगर आपके पास नाम है तो, ठीक है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी एड्रेस है, फिज़िकल एड्रेस, आप वो यहाँ इंटर करके उससे सर्च करें। अगर आपके पास उसका अकाउंट नंबर है, रियल अकाउंट जिस पे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है वो चीज़ है, तो पर्सनल अकाउंट है, सेंट्रल अकाउंट है, सब डिवीजन है, मैप है, डीड बुक एंड पेज है, इन सब सर्च कर सकते हैं। ऑक्यूपेंट बिल्डिंग नेम है, वहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपके लिए दो चार फुल किए हैं। ये जैसे मैंने शीट बनाई है, आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओनर वन, ओनर टू, मेलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, ये प्रॉपर्टी एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, ठीक है। प्रॉपर्टी एड्रेस जो प्रॉपर्टी बिक्री होती है, ये मैंने प्रॉपर्टी उसकी निकाली है, उसका एड्रेस है। अब हमने ये चीज़ें फिल करनी है, हमें स्किप ट्रेसिंग के लिए ये चाहिए होती है। सो इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। फिज़िकल एड्रेस यहाँ पेस्ट, क्योंकि एड्रेस है ना प्रॉपर्टी का जो बिक रही है, फिज़िकल एड्रेस। अच्छा, इसको उसने हमें अकाउंट नंबर भी दे दिया, ये अकाउंट नंबर है, ये देख रहे हैं, R06902020। वैसे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो भी है टैक्स निकालने पे, वो इसी वेबसाइट की है, तो यहाँ ओनर इन्फो के आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। ये हमने इसको ओपन कर लिया, अकाउंट नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी एड्रेस वही आ गया, 2604 नॉर्थ वेस्ट 13th स्ट्रीट, ठीक है, यही एड्रेस हमने सर्च किया, ओक्लाहोमा सिटी का। अच्छा जी, अब ये क्या है, टेसी लिंक मैथ्यू डब्ल्यू, एक इसका ये ओनर है, दूसरा ओनर है टेसी लिंक कैथरीन ए, दो ओनर हैं इसके। हम क्या करेंगे, हमने अक्सर प्रॉपर्टीज़ के दो ओनर होते हैं ना, तो हमने ये पहले ओनर में डाल दिया मैथ्यू को, और ये भाई कैथरीन आ गई, कैथरीन को हमने सेकंड ओनर में उसका डाटा पुट कर दिया, ठीक है। अब आ गई एड्रेस की बारी। अच्छा, अब इसका एड्रेस क्या है, सेम एड्रेस है, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं लेकिन सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, वही उनकी प्रॉपर्टी है और वहीं उसको वो सेल कर रहे हैं, देखा ना। ओनर वन या ओनर टू, बिलिंग एड्रेस वन, बिलिंग एड्रेस यहाँ पे इसको बिलिंग एड्रेस कह रहे हैं, ये वही मेलिंग एड्रेस जिसको हम कहते हैं, या बिलिंग एड्रेस, आप खुद समझदार हैं समझ जाएंगे। तो सेम एड्रेस है जिसको, उसके फिज़िकल एड्रेस भी वही है जो बेच रहे हैं और रह भी उसी पर रहे हैं। सो हमें इधर यहाँ उसकी बजाय हम यहीं से उठा लेंगे पूरा इनको, और हम यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम एड्रेस आ गया। अब आ जाते हैं वापस वेबसाइट पे। अगर आपने इसका टैक्स भी निकालना है, ठीक है, प्रॉपर्टी का, कि टैक्स कितना पेंडिंग है या क्लियर्ड है, क्या हिसाब किताब है, ये देखें, क्लिक टू व्यू टैक्सेस, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका टैक्सेस वगैरह जो है खोल के दिखाएगा। लेकिन आई थिंक यहाँ टैक्सेस देखने के लिए हमें जो है आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, वीपीएन लगाना पड़ेगा, अभी मैंने लगाया हुआ नहीं है, मे बी ऐसे भी खोल दे, क्योंकि पहले जब हम चलाते रहें तो ये यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस का चेंज करना पड़ता था। ये देखें जी, एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है। सो कोई बात नहीं, वापस चले जाते हैं, हम अभी टैक्स नहीं निकाल रहे, हम तो ओनर इन्फो निकाल रहे हैं ना। सो वहाँ आपके पास ऑप्शन है, पेज खुलेगा, वहाँ पे सारा आ जाएगा। अगर किसी ने टैक्स निकालना है तो टैक्स के लिए आप मेरी वीडियो जो पहले वाली है, हाउ टू पुट पुल जो था टैक्स डेलीगेंट, जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका बना हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी, वो देखना। सो यहाँ से आपने ये चीज़ें इसकी जो है निकालनी है।
एड्रेस नेम सॉरी नेम नेम टू अगर दो हैं और ये उसका मेलिंग एड्रेस ठीक है। हम चले जाते हैं न्यू सर्च पे, हमने एक का तो निकाल लिया, हम ये सेकंड वाले का जो है इसका निकालते हैं ज़रा न्यू सर्च। हाँ थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई हुई है। यहाँ ऐड किया फिज़िकल एड्रेस में, ये इसका नाम आ गया और ये अकाउंट नंबर आ गया। इसके भी दो जो हैं कह लें ये निवाजाज बेथ है, एक तो ओनर वन, सेकंड ओनर कौन है भाई, ब्राउन हीटर, ये सेकंड ओनर आ गया। और इसका भी मेलिंग एड्रेस सेम है, ये आप लोग देख रहे हैं 8400 नॉर्थ वेस्ट 82 सेकंड स्ट्रीट 82nd स्ट्रीट, ये वही है सेम है। सो इसका भी हमने यही करना है जो पिछले का इलाज किया था भाई, ये देखें ये इलाज हो गया इसका भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सर्च कर लेते हैं, न्यू सर्च में जाएंगे, न्यू सर्च में जाके हमने फिजिकल एड्रेस और ये सबमिट कर दिया। हाँ ये कौन है भाई, अच्छा इसके ओनर ना ओनर नेम वन पे दोनों लिखे हुए हैं, देखा ना, मैकडोनल्ड एरिक सी एंड डैनियल एल, मींस के डैनियल एल मैकडोनल्ड है और एरिक सी मैकडोनल्ड है, ये मे बी भाई होंगे हो सकता है ठीक है। इनका भी यार ये देखो ये फिजिकल एड्रेस है, ये मेलिंग एड्रेस है, सेम टू सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। हम इसको तो यहाँ से उठाएंगे कॉपी, ये हम अपनी शीट में आए, सो इसको हम डैनियल को यहाँ से निकाल लेंगे, ये मैकडोनल्ड है भाई। तो इस तरह से हमने लहदा लहदा सेपरेट कर दिया ठीक है। फॉर्मेटिंग का आपको आई थिंक पहले पता है, मैंने बताई थी मैकडोनल्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, एरिक फर्स्ट नेम है, सी मिडल नेम है। जब भी इस तरह का एक हिंसा हो आगे एक अल्फ़ाबेट हो तो मिडल नेम होता है, और मिडल नेम से पहले हमेशा फर्स्ट नेम आता है ठीक है, यानी कि मिडल नेम एंड फर्स्ट नेम हमेशा इकट्ठे आते हैं ये दोनों, ये कभी अलहदा नहीं होता है। और इनके अलावा अगर तीसरा वर्ड आपका स्टार्टिंग में है बड़ा तो वो लास्ट नेम होगा, ये एंड पे भी हो सकता है, अगर ये सेंटर में होगा तो हम क्लियर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसका एड्रेस भी वही है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। सो सिंपल है, इसका भी मेलिंग वगैरह निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास डाटा मौजूद है, प्रॉपर्टी एड्रेस, सिर्फ आपका प्रॉपर्टी एड्रेस मौजूद है, आप उसका मेलिंग एड्रेस बंदे का और उसका ओनर जो है उसको निकाल सकते हैं, आपको उसका टैक्स निकाल सकते हैं, आप उसका रियल अकाउंट का आपको पता चल जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिसे हम ओनर इन्फो कहते हैं। ये ओनर इन्फो निकालने का तरीकाकार है, मैंने ओक्लाहोमा काउंटी का आपको निकाल के दिखाया ठीक है। आप कोई सी भी काउंटी का जहाँ आप काम कर रहे हैं आपको वो सर्च करें, उसके बारे में सर्च करके काउंटी की वेबसाइट ढूंढें, वेबसाइट ढूंढने के बाद उसका आप ये डाटा जो है वो पुल कर लें ठीक है। सिंपल से काम है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो की और किसी काम के बारे में बताऊंगा बनाऊंगा ठीक है। तो सीखते रहिए, अगर किसी कोई सीखना चाह रहा है कोई इशू नहीं है, अगर कोई मसला हो मुझसे रब्ता कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है मैंने, जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे देता हूँ ठीक है। और फेसबुक की आईडी भी आई थिंक मैंने लगाई हुई है, तो लिंक्डइन की भी है शायद, तो वहाँ से भी आप जो है मुझे रब्ता कर सकते हैं।